Hello students, welcome here again on my channel Jankari Hit, myself with Abilashi Sharma. Today's topic of uh, accounting equation relating with the accountancy very important topic we are going to discuss here in today's video. We will discuss in today's video about accounting equations. What is the accounting equations? तो भाई साथ बने रहना तभी हम सीख पाएंगे आज की वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन लेखा समीकरण क्या है लेखांकन समीकरण और लेखा समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसिडर टू द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इट इज अ टूल विच वी कैन असर्जन दैट डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल ध्यान से एक एक शब्द डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल after each transaction and even the end of group of transactions of a day or a month or a year it shows that assets are always equal to equity here equity means capital plus liabilities we know that capital is also considered as a liability in balance sheet

सोचो अगर नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत बुलंद होने वाली है ना भाई तो नींब को पकड़ के रखो ध्यान से समझो ये एक ऐसा टूल है एक हथियार है हमारे हाथ में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के हाथ में जिससे हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद हर लेन देन के बाद ये पता चलता है कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद डेबिट और क्रेडिट इक्वल है हर ट्रांजैक्शन और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं एक लेन देन जो लेन देन है उसका समूह वो समूह एक दिन के बाद भी हो सकता है एक महीने के बाद भी या एक साल की ट्रांजेक्शन के बाद भी हो सकता है ये ध्यान रखना जो हमें ध्यान रखना होगा जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो हमेशा इक्विटी के इक्वल होती हैं अब इक्विटी क्या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जैसे मैंने यहां पे शो किया इसको बाद को ध्यान से देखो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्विटी अब इक्विटी का शब्द थोड़ा नया है लेकिन भाई मन शांत रखो सब कुछ समझाने वाला हूं डिटेल में समझेंगे अगर इक्विटी है तो कैपिटल प्लस लाइविलिटी क्यों यस ये भी मैं समझाता हूं आपको आओ जानते हैं ऐसा क्यों उसके लिए कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशंस को हमने समझना है फिर मैं आपको बताता हूं इक्विटीज के बारे में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज द बेस ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ी है अकाउंटिंग इक्वेशन जो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस में जो भी लेन देन होता है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बिजनेस इंपैक्ट बिजनेस में जो भी लेन देन हुआ उसका ड्यूल पहलू है दोहरा असर पड़ता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट जो ड्यूल एस्पेक्ट आस्पेक्टता है यही अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस है जो बेसिक इक्वेंटी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये है भाई ध्यान से देखो इक्विटीज आर इक्वल टू एसेट्स ये क्या हुआ भाई यस इक्विटीज आर इक्वल टू एसेट्स अब समझते हैं जिसके बाद पे बार बार मन में एक शंका पैदा होती होगी आपके ये इक्विटी शब्द क्या है इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा तो आओ इसको एक्सप्लेन करते हैं इक्विटी मींस ऑल द क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस और वी कैन से द सोर्स ऑफ ऑल एसेट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट द सोर्स ऑफ ऑल एसेट्स आर इक्विटीज यस अब ध्यान से देखो मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं आपके घर में कोई सामान आया फर्नीचर परचेज किया एल सी डी एलईडी परचेज की मोबाइल परचेज किया उसके लिए पैसा तो कहीं से आया होगा ना ऐसी बिजनेस बिजनेस में, बिजनस में ही एसेट्स कैश है बैंक है मशीनरी है डेटर्स हैं, वो सबके सब एसेट्स क्रिएट हुए कैसे उसका सोर्स क्या है तो उसका सोर्स जो है वो इक्विटी है ये ध्यान रखना जो इक्विटीज है ये बिजनेस की संपत्तियों के स्त्रोत हैं ये वहीं से बिजनेस की एसेट्स क्रिएट होती हैं। पैसा इक्विटीज से आता है भाई ध्यान रखो जो मैं बात बता रहा हूं आपको कैसे आता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इसको समझने के लिए जानना होगा जो इक्विटीज है बेसिकली आर टू टाइप्स दो टाइप है एक है इंटरनल इक्विटी दिस वन

बिजनेस के ऑनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो क्या है बिजनेस की इंटरनल इक्विटी तो एक्सटर्नल क्या हुई एक्सटर्नल मतलब बाहर की भी भी हमें ये पता है आप आगे आने वाले चैप्टर्स में करोगे बैलेंस शीट बनती है उसमें लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल भी शो करते हैं और दूसरी और और भी लाइबिलिटीज होती हैं तो ये बेसिकली है तो लाइबिलिटीज बिजनेस की देनदारियां हैं अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है जिसमें कैपिटल के अलावा बाकी सारी देनदारियां इन्वॉल्व हो जाती हैं जैसे क्रेडिटर्स बिल्स पेयर, लोन और बहुत सी वो सबकी सब ऑल दीज लाइबिलिटीज आर नॉन एज एक्सटर्नल इक्विटीज तो इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़कर क्या बनता है अभी इक्विटीज इसका मतलब इक्विटीज क्या होगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ अगर मैं इसको टोटल दूंगा ना भी गलत नहीं होगा ये, ध्यान रखना। ये जो के, कैपिटल, कैपिटल को इन्वॉल्व करते हैं और दूसरों को अदर लाइबिलिटीज कहते हैं बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए इक्विटी क्या है सोर्स ऑफ एसेट्स ये ध्यान रखना होगा बिजनेस अब ध्यान से देखो जो इंटरनल सोर्स है वो कैपिटल लेके आया उससे बिजनेस ने क्या एक्वायर किया गुड्स परचेज की होंगी फर्नीचर खरीदा मशीनरी परचेज की वो सबके साथ साधन बने या नहीं बने समझ आया अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं अभी क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हमने पैसा देना है उनसे हमने गुड्स इक्वायर की तो बिजनेस की एसेट बनी या नहीं गुड्स के रूप में यस ये ध्यान रखना होगा जो बिजनेस की जितनी भी जितनी भी एसेट्स क्रिएट होती हैं, उसका सोर्स इक्विटीज है ये ध्यान रखना होगा हमें yes, यस और समझते हैं इस बात इसका मतलब क्या हुआ जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो क्या हुई ऑनर्स इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी क्या है हमें मैंने बताया इंटरनल इक्विटीज जो कैपिटल है लाइबिलिटीज क्या है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है अदर लाइविलिटीज तो दोनों को ऐड करके क्या बन गई बिजनेस की एसेट्स इसको पकड़ के रखो दैट इज द इक्वेशन समझ आई बात अब अब हम इसको सम अप करते हैं इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन को हमें पता चला जैसे मैंने आज बताया इक्विटीज आर इक्वल टू एसेट्स अब ये भी हमने देखा कि इक्विटीज दो टाइप की हैं ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर इक्विटी ओनर्स इक्विटी को हम क्या कह सकते हैं यस इनसाइड इक्विटी जिसे कहते हैं इंटरनल इक्विटीज अब इंटरनल इक्विटी जो होती है जिसको हम ऑनर्स इक्विटी कह रहे हैं वो बेसिकली क्या है कैपिटल बिजनेस में जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया ऑनर की इक्विटी अदर इक्विटी जिसे हम क्या कह रहे हैं आउटसाइडर इक्विटीज वो क्या होती है अदर लाइबिलिटीज यस तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज क्या बनके बिजनेस की एसेट्स तो बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्लियर हो गया ये है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये पकड़ के रखनी है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स अब पता चला अगर हमें कैपिटल और लाइविलिटी की वैल्यू पता है तो हम एसेट्स निकाल सकते हैं सिमिलरली अगर हमें एसेट्स और लाइबिलिटी पता जैसे मैंने सेकंड पोजीशन पे यहां दिखाया ये देखो यस एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी कैपिटल अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो बेसिकली ये दोनों इक्वेशन का बेस क्या है ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स क्लियर हो गया बस ध्यान रखना कि बिजनेस की जो एसेट्स हैं उन सबका सोर्स क्या है जिससे वो साधन क्या है उनका वो है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज जिसको हम इक्विटी कह रहे हैं ओके अब इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ इफ अ कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस इज 8 लाख एंड द लाइबिलिटीज आर 6 लाख कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स आई थिंक सबको आता होगा

थोड़ा सा सोचो इस बारे में बड़ा सिंपल वे है अकाउंटिंग इक्वेशन है ओके okay? देखते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जर्नली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बट हम कोशिश करेंगे यहां पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देकर इसको थोड़ा आसान ढंग से समझने की जैसे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली लेट अरविंद कॉमेंस बिजनेस विद फोर्टी थाउजेंड एज कैपिटल बिजनेस शुरू किया भी अरविंद ने अब हमें पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें पता है क्या है एसेट्स नॉट प्लस यही तो सोचना था मैंने सोचा सोच भी रहे हो या नहीं हमें पता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू नोट प्लस इज आर इक्वल टू टोटल लाइविलिटीज टोटल लाइबिलिटीज में क्या है अदर प्लस कैपिटल जिसको हम क्या कहते हैं इक्विटी ये क्लियर है ना yes. अब यस इस अब इसमें हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं एक लाइन छोड़ देते हैं जब अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करनी है यहां पर हम क्योंकि एसेट्स बिजनेस में एक नहीं होती जितनी भी एसेट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएंगी वो हम लिखते चले जाएंगे जितनी भी लाइविलिटीज आएंगी वो यहाँ लाइबिलिटी के पार्ट में लिखते चले जाएंगे और एक क्या होगी कैपिटल यहां हमने उसको बाइफ करना है बिजनेस के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट क्या था? अरविंद ने पहली जो एसेट क्रिएट की दिखाई यहां पे वो है कैश डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा यहां विवरण में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस शुरू किया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी इस वजह से कैश कितना आया फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड कैश के नीचे कैश और उधर कैपिटल क्रिएट होगी क्योंकि बिजनेस में कैपिटल आई है तो कैपिटल इंक्रीज होगी फोर्टी थाउजेंड की कैपिटल अब फोर्टी थाउजेंड कैश टोटल एसेट्स कैपिटल टोटल लाइबिलिटीज क्योंकि और एसेट्स और लाइबिलिटी तो है ही नहीं यहां तक इस ट्रांजेक्शन तक तो नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी एसेट्स आर इक्वल टू Total liabilities. क्या बना? Cash 40, 000, capital 40, 000, दोनों आपस में बराबर। yes. एक और और लेते हैं और में आते हैं। आसान नीचे देखो, ध्यान से लिखा हुआ है। मशीनरी परचेज रुपीज ट्वेंटी था बीस हजार की कौन से दो काम रेखर हुए कैश एंड मशीनरी मशीनरी की वैल्यू बिजनेस में इंक्रीज होगी तो मैंने यहां पर एक नई एसेट लिख दी मशीनरी ओके

उंटिंग इक्वेशन हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के बाद भी दोनों साइड बराबर अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर जैसे दो ट्रांजेक्शन दिखाई हम दो भी दिखा सकते हैं दो भी दिखा सकते हैं लगातार अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनती जाएंगी और दोनों साइड के बैलेंस बराबर आते चले जाएंगे ये ध्यान रखना होगा एक बात और सुनो जितनी एसेट्स हैं यहाँ ऐड करते चले जाएंगे जिस जिस ट्रांजेक्शन में जो एसेट आएगी यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे और जो लाइबिलिटीज आएगी यहाँ पर लाइबिलिटी के अगर बायफ्रिकेट करने हो क्रेडिटर्स बिल्स पेवर्स वो पार्ट हम बनाते चले जाएंगे पर ये अभी इतनी आसानी से यहां पर नहीं समझाएंगे हम अगली वीडियो देखो उसमें मैंने टोटल बिजनेस का अकाउंटिंग इक्वेशन पे डायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे अब तक जो मैंने किया उसको रिकेप्युलेट करो आराम से समझो मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दे सकते हैं आप स्टूडेंट्स आई थिंक जो भी आपने देखा आपको क्लियर हो गया होगा बड़ी जल्दी एक नई वीडियो के साथ नया टॉपिक जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने कैसे करना है, उसके बारे में बताऊंगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब पहले किया तो वही दोबारा नहीं करना चाहिए अनसब्सक्राइब हो जाएगा तब तक इस वीडियो को देखें और नई वीडियो का इंतजार करें थैंक यू वेरी मच